वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी मैंने मेन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लासेस हमने मीडियन स्टार्ट किया था और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। मीडियन और मीन को भी समझ लिया और इसके मेरिट और डिमेरिट पर भी हमने डिस्कशन किया था। अब आज के क्लासेस में कंटिन्यूस सीरीज को थोड़ा और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज का इंक्लूसिव पार्ट है, क्योंकि आपने लास्ट क्लासेस में जो क्वेश्चन हमें लास्ट क्वेश्चन जो कवर किया था उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज था और कंटिन्यूस सीरीज में जिसमें डेटा एक रेंज में था तो उसका एक्सक्लूसिव पार्ट था। तो आपका कंटिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव भी पार्ट होता है, कंटिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव भी होता है, कंटिन्यूस सीरीज में लेस देन, मोर देन एंड मिड वैल्यू। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये कंटिन्यूस सीरीज का इंट्रोडक्शन मैंने मीन के टॉप क्लासेस में दिया था। तो उसमें मैंने आपको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में भी कन्वर्ट करना सिखाया था, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में भी कन्वर्ट करना सिखाया था, एक्सक्लूसिव को लेस देन में भी कन्वर्ट करना सिखाया था, लेस देन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सिखाया था, मोर देन से एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव से मोर देन में, लेस देन से मिड वैल्यू से एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव से मिड वैल्यू। सारी चीजें हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन की थी, वो क्लास आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो आइए, हमने क्या समझा कि अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज का एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे था और हमने इसका मीडियन कैलकुलेट किया। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज तो है, डेटा एक रेंज में तो है, लेकिन एक एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो है इसका अपर लिमिट 19 है और नेक्स्ट का लोअर लिमिट आपका क्या है 20 है, ठीक है। तो आपके पास में गैप इसमें कंटिन्यू नहीं हो रहा है, गैप इसमें आ गया एक का, तो इसलिए कंटिन्यूस सीरीज होने के बाद भी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंक्लूसिव बोलते हैं। पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करें, क्योंकि आपको मैंने यही सिखाया था कि अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन है तो वो आपका एक्सक्लूसिव में होना चाहिए। अगर वो आपका एक्सक्लूसिव में है तो आपके लिए बहुत ईजी है उसको आगे सॉल्व करना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूसिव में लेकर आएंगे। कैसे, देखिए गैप कितने का है, 19 का गैप कितना है 20 का। तो आप इस गैप को लें पहले, जो 19 का है और 20 का गैप है, जो ये गैप है इस गैप को आप लेंगे और ये गैप क्या हमारे पास में 1 का गैप है, क्लियर है। और गैप डिवाइडेड बाय आप यहां पर 2 कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास में 0.5, क्लियर है बच्चे। अब सबके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5x। और ध्यान रखेंगे आप कभी भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका इंटरवल चेंज होगा लेकिन आपके फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। माइनस एंड अपर में प्लस 19.5, सिमिलर 19.5 माइनस करेंगे एंड प्लस करेंगे तो 29.5। और बार बार माइनस प्लस करने की नीड नहीं है, एक बार कर दिया उसको एज इट इज लिखो, 10 का गैप आ रहा है 10 का गैप दे दो, जैसे लाइक 29.5 एंड 10 का गैप देंगे 39.5 गैप देंगे 49.5 एंड गैप देंगे 59.5 गैप देंगे 69.5 गैप देंगे 79.5 गैप देंगे आप 89.5 और गैप देंगे आप 99.5, क्लियर है बच्चे। ये क्या हो गया हमारे पास में x हो गया। अब आपके पास पे, अब यहाँ पर आपका एक एक्सक्लूसिव सीरीज है, अब आप इसको कर सकते हो। लेकिन आपके पास में आप f से क्या करेंगे, आप cf कैलकुलेट करेंगे। सी एफ हो गया लाइक 7 है, 7 एंड 15 22 और 18 40 एंड 25 65 एंड 30 95 एंड 5 110 एंड 16 126 7 133 एंड 2 135,
ये सीएफ हो गया एंड समीशन ऑफ एफ अगर आपका 135 आया जो लास्ट ऑफ सीएफ है तो मतलब आपका बिल्कुल सी चल रहा है सब। कैलकुलेटर है ना, मैं चेक कर लेते हैं हम। 7 + 15 + 18 + 25 + 30 + 25 + 16 + 7 + 2 क्या है बच्चे 145। ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 7 + 15 = 82 + 18 = 40 + 25 = 65 + 30 = 95 + 25 = 120 आया था यहाँ पे, +16 = 136 + 9 तो 143 and 145 CF। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में ये समीशन एफ सी एफ आ गया और आपके समीशन एफ आ गया। अब आप मीन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपके पास में मीन के लिए साइज ऑफ मीडियन आप देखेंगे, एंड साइज ऑफ मीडियन क्या है आपका? साइज ऑफ मीडियन जो कि इसमें आपका होगा एन बाय टूथ टर्म, एन बाय टूथ टर्म सॉल्व करेंगे आप। एन आपके पास में क्या 145 अपॉन टूथ टर्म जो कि 72.5 टर्म या क्या। ठीक है बच्चे, अब आप यहां देखेंगे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास में 72.5 टर्म हो गया। अब यहां पर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई और एन बाय टू एथ टर्म, जिसमें कि आपके पास में L क्या है, पहले इंटरवल सेलेक्ट करेंगे आप लोग बच्चे। इंटरवल कौन सा आपके पास 72.5 कहां मिलेगा? इसमें मिलेगा ना आपका, इस इंटरवल में। इसका तो क्लियर देना है नहीं आपको, ये पार्ट आपका इसके अंदर। तो अब यहां देखेंगे आप, सबसे पहले आपके पास में इसमें L क्या है 49.5, n by 2th क्या है 72.5, cf क्या है this one 65, i क्या है 10 and f क्या है इसमें, f आपका 30 frequency। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू एल, एल क्या हमारे पास में 49.5 प्लस एन बाई टू 72.5 माइनस सी एफ, सी एफ 65 अपॉन एफ, एफ हमारे पास में 30 इंटू आई हमारे पास में 10 जो कि यहां से यहां कट गया। मीडियन इक्वल्स टू 49.5 एंड आपके पास से 12 में से 5 गया तो आपके पास में आ गया 7 और 6 में 6 गया 0 तो आपके 7.5 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करेंगे 2.5। क्लियर है बच्चे? तो आप सॉल्व करेंगे यहां पर आप तो 79 और 51 52 एंड 52 इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है मीडियन। क्लियर है? जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है कैसे कट रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा पर्सनली मैसेज कर करके। आपको इसकी क्लासेस भी अलग से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, फोल्डर दे दिया जाएगा जिसमें काटना कैसे है, माइनस कैसे करना है, एलसीएम कैसे लेना है, छोटी मोटी कैलकुलेशन हो सकता है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा हो या फिर मैथ्स में इतनी कैलकुलेशन भूल चुके हैं तो वो एक बार रिमाइंड हो जाएगा। 10 से 12 क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी बेसिक कैलकुलेशन की तो वहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी। आप जैसे यहाँ पर आप देखें कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा,
तो यहाँ पे 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, तो और 50 से 60, 60 से 80, 80 से 90, 10 का गैप, 20 का गैप, आपके पास में 10 का गैप, 20 का गैप, एंड 20 का एंड 10 का। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, इंटरवल आपका इक्वल साइज का नहीं है, तो आप सेम साइज का इंटरवल आपने करना है। तो इसको किस तरीके से आप इंटरवल को आप सेम साइज का कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक तो एक्स रहने वाला है, एक आपका एफ फ्रीक्वेंसी और एक आपका सी एफ का कॉलम रहने वाला है। चलिए पहले कर देते हैं, ये आपका एक्स का कॉलम 0 से 10 है, बिल्कुल ठीक है। अब हम सबका 10-10 का गैप ले रहे हैं, तो 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। सब में 10-10 का गैप लिया, इक्वल साइज करा। यहाँ पर F, तो यहाँ पर 0, 10 से 5 है, तो 5 ही लिखेंगे हम। अब ये क्या है, ये 10 से 30 तक में 15 लोग हैं, तो कितने इंटरवल कवर होंगे? आप देखिए मेरे पास में गैप कितने, इसमें गैप कितने का है, इसमें गैप 20 का है, और मैं गैप लेके चल रहा हूँ कितने का, 10 का। तो इसमें ऐसे गैप कितने आ गए, 2 आ गए, कितने आ गए, इसमें ऐसे गैप 2 आ गए। ये बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? तो बेसिकली 15.5 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप, सॉरी 10 से 30 है, 3 गैप आ गया ना, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 30, 20 का गैप आ गया, और 20 से 30, 10 का गैप है। और 20 का गैप चल रहा है, और हम हमें लेना है गैप 10 का। तो इस पोजीशन में मैंने 10 से 20 बनाए, 20 से 30 बनाए, दोनों इसमें आ गए 15 में। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि 15 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों दोनों में, क्योंकि 10 से 20 में भी जाना है इसको, 30 तक जाना है इसको। तो 15 में से कितने को 10 से 20 तक में रखूँ, या कितने को 20 से 30 तक में रखूँ, तो इक्वली 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करके। तो कितना जाएगा, 7.5, 7.5 2 में जा रहा है, क्लियर है बच्चे। और इसी तरीके से हमारे पास में 30 से 50 2 है, और यहाँ 30 से 50 तक में 2 इंटरवल बना रहा हूँ, ये एक ही इंटरवल में है, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितने आएंगे, 10 10 आ जाएंगे, 10 इसमें 10 इसमें। और इसी तरीके से 50 से 60 में 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे भी, ये 60 70 में, ये 60 से 80 8, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, 60 से 70 में भी और 70 से 80 में भी, तो 8 तो बराबर बराबर ले लेते हैं दोनों में, 4 और 4, ये तो मेरे पास में 2 है। अब आपका हो जाएगा, मैं भी हिंट दे रहा हूँ आपको, उसका एफ है, तो क्या करेंगे आप, सी एफ ले लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें डेसिमल में आ गया, तो आपके पास में 5, 12.5 एंड 19 एंड 20, और उसके बाद 30 एंड 40, 50 और 54, 58, 60। समीशन और एफ हमारे पास में 15 और 20, 30, 40, 50, 8 और 60, समीशन एफ इक्वल्स टू 60। अब कर लेंगे ना आप, तो वही साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे पहले आप, साइज ऑफ मीडियन इक्वल्स टू एन बाय 2th टर्म, तो सॉल्व करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 2th टर्म इक्वल्स टू 30th टर्म। तो ये हमारे पास में किस इंटरवल में आएगा, 30 देखेंगे, तो सी एफ में देखो 30 किस में आता है, 20 से 30
इसमें आ रहा है, ये तो 30 से अब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपके पास में मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, मीडियन इक्वल्स टू एल। एल हमारे पास में 30 प्लस एन बाई टू 60 अपॉन, सॉरी 30 माइनस सी एफ 20 अपॉन एफ 10 इंटू आई 10। तो मेरे पास में 10 आ गया, द मीडियन इक्वल्स टू 40 दिस वन। तो पता लग गया आप कैसे इसको इक्वल इंटरवल रखेंगे। जैसे यहाँ पर मिड वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे आप, ये भी आपका एक एक्सक्लूसिव सीरीज का ही पार्ट है बच्चे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, इसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में लेके जाएंगे, इंक्लूसिव का ही पार्ट है। एक्सक्लूसिव में लेके जाने के बाद फिर सेम प्रोसेस चालू होगा आगे का। तो ये सारी बातें आपको पहले सिखाई हुई हैं, बट एक बार चलो कोई बात नहीं, रिपीटेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद एक मेन क्वेश्चन और कवर करेंगे, यहां पर देखिए जैसे ये देखें एक्स कॉलम, तो गैप कितने का है, 115 और इसमें 10 का, इसमें कितना गैप है, 10 का गैप कितना है, 10 का गैप चल रहा है। तो एक काम करें, जो 10 का जो गैप चल रहा है ना मिड वैल्यू में, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कितना हुआ 5। अब आप एक काम करें, इसमें से 5 आप माइनस कर दें तो 110, और इसमें आप 5 ऐड कर दें तो 120। अब सेम प्रोसेस चलाते रहें, अब 120 और 130, और बार बार माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको लिखो, 10 का गैप चल रहा है 10 का गैप दो 140, एंड 10 का गैप देंगे आप 150, 150 और 10 का गैप आपको रखना है तो 160, एंड 160 कंटिन्यू रखना है आपको, 10 का गैप देना है 170, 170 180 एंड 180 190 एंड 190 200। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। तो ये हमारे पास में क्या है, एफ है, ये हमारे पास में एक्स हो गया। क्लियर है, अब यहां पर आप देखेंगे एफ हो गया, एक्स हो गया, सी एफ कर लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो 6 का 6 21 21 प्लस 48 69 प्लस 72 141 प्लस 1 116 257। क्लियर है बच्चे, प्लस 60 317 प्लस 38 355 एंड प्लस 22 377 एंड प्लस 380। समीशन ऑन एफ इक्वल्स टू 380 होना चाहिए, कैसे, 3 प्लस 22 प्लस 38 प्लस 60 प्लस 116 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 25 प्लस 6 प्लस, गड़बड़ हुआ, 290 आ रहा है, 390 देख लेते, 6 प्लस 25 31। ओहो यहीं से गड़बड़ हो गया ना, एक जगह गड़बड़ करा, 31 प्लस 48 79 प्लस 72 151 प्लस 1 116 267 प्लस 60 327 प्लस 38 365 प्लस 22
387 एंड प्लस 3 390, ठीक है, तो क्या बनेगा 390। क्लियर है बच्चे? अब आपको मीडियन निकालना है, तो साइज ऑफ मीडियन कैलकुलेट करेंगे पहले। आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ मीडियन एम बाय 2th टर्म इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, 390 बाय 2th टर्म 195। अब इसके बाद आप देखेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला आपका होगा एल प्लस एन बाई टू विथ टर्म माइनस सी एफ अपॉन एफ अपॉन एफ इंटू आई। एल क्या है आपका, इंटरवल का सिलेक्शन करना है सबसे पहले, तो इंटरवल देखेंगे आपके पास में क्या 195, तो 195 किसके अंदर लाई कर रहा है, 195 आपके आपके पास में के 195 151 से अबव है। अब इसमें आप देखेंगे आपके पास में L क्या है बच्चे, L आपके पास में है लोअर लिमिट 150 एंड आपके पास में N बाय 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने 195th और सी एफ आपके पास में जो आपका सी एफ कॉलम है उससे अबव वाला होगा 151 और एफ आपके पास में है 116 और आई आपके पास है जो इंटरवल में गैप चल रहा है 10 का। मीडियन इक्वल्स टू एल, एल आपके पास में क्या है 150 प्लस एन बाय टू 195 माइनस सी एफ, सी एफ आपके पास में 151 अपॉन एफ 116 इंटू आई 10, तो मीडियन इक्वल्स टू 150 प्लस 195 माइनस 151 44 डिवाइडेड बाय 116 0.379 इंटू 10, तो 0.379 इंटू 10 150 प्लस 3.79 एंड 153.79, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मीडियन आ गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, एक क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, देखिए कैसे करेंगे आप। एक तो आपके पास में एफ है तो आप सी एफ क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास में एफ है तो क्या क्रिएट करेंगे सी एफ, ठीक है बच्चे। दो चीजें आपको नहीं पता फ्रीक्वेंसी में, तो जो नहीं पता उसको आप क्या लेट करेंगे, कुछ लेट मत कीजिए। फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम ये आपका एफ वन हो गया, ये नहीं पता आपको तो ये आपका एफ टू हो गया। अब देखें तो 10 प्लस 20 सी एफ ऐसे निकालते 30, अभी 30 प्लस एफ वन आ गया एंड आपके पास है 48 करेंगे तो 70 प्लस एफ वन एंड 70 प्लस एफ वन प्लस एफ टू एंड 25 करेंगे तो 95 प्लस एफ वन प्लस एफ टू एंड 15 करेंगे तो 110 प्लस एफ वन प्लस एफ टू एंड 170 करेंगे तो 280 प्लस एफ वन प्लस एफ टू। क्लियर है बच्चे, सी एफ आ गया। और आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि समीशन और एफ कभी भी आपका फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा तो आपके पास में इन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो क्लास इंटरवल। mm-hmm.
उसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आया आपका, क्यों? क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी आपका मिस करेगा तो आपको एक मीडियन की वैल्यू गिवन होगी और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास में होगा। तो ये बस ये है कि इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। ये है एग्जाम्पल नंबर 33, एक इसका क्वेश्चन मिसिंग है। अभी मैं क्वेश्चन मंगवा लेता हूँ, अगर आपके पास में इसमें जेके ठकराल है तो आप मुझे बताएंगे कि आगे क्या है। हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन मैंने जैसा कि मंगवा लिया है, जेके ठकराल में से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, सेम क्वेश्चन है और उसमें एग्जाम्पल नंबर 33 ही है मीडियन में। क्वेश्चन है, एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन वैल्यू इज 35। तो मीडियन क्या हमारे पास में इसका 35 गिवन है, तो मीडियन 35 आपको ये चीजें दी हुई होनी चाहिए थी जो कि टाइपिंग में नहीं आया, बट ये 35 मीडियन है। अब देखें एक चीज, जब मीडियन आपके पास में 35 है तो यहां पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि 35 आपका इस डेटा में से कहां से लाइक कर रहा है, तो 32-40 के बिटवीन। तो ये चीजें तो आपकी कवर हो गई हैं, जो ये चीजें हैं 32-40 के बीच में 35, तो आपको पता लग गया, जिसमें कि आपके पास में सीएफ क्या रहने वाला है, जिसमें कि सीएफ आपका ये रहने वाला है। अब मीडियन का फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं कि मीडियन इक्वल्स टू एन बाय टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सीएफ अपॉन एफ इनटू आई, तो एल क्या है इसमें 30 एंड आई क्या है 10, एफ क्या है बच्चे 40, सीएफ क्या है बच्चे सीएफ 30 प्लस एफ 1 है आपका, क्लियर है? अब यहां पर आप मीडियन की वैल्यू रखते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन की वैल्यू क्या है 35 इक्वल्स टू एल 30 प्लस एन बाय टू। तो एन क्या होता है आपके पास में टोटल, आपको गिवन है ना, एक चीज और गिव होती है आपके पास में, क्या टोटल, ये मैंने 170 गलती से ऐड कर दिया था, ठीक है? तो हमारे पास में क्या रहेगा 10 प्लस 30 30 प्लस एफ 1 70 प्लस एफ 1 प्लस एफ 2 25 95 100 एंड 110, ये टोटल हमारे पास है 170 है। तो n बाय 2 क्या आ गया हमारे पास में 170 बाय 2th टर्म। कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है दो चीज़ गिवन होती है, एक तो समीशन मीडियन और एक समीशन f, ये आपके पास में ऑलवेज गिवन होगी 170। तो सॉल्व करेंगे और एक चीज़ यहाँ से ये समझिएगा इस चीज़ को कि आपके पास में आपको पता है कि समीशन और f इक्वल्स टू जो आएगा वो क्या आएगा, वो इसके इक्वल आएगा ना, लास्ट ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 170 इक्वल्स टू क्या आने वाला है आपका 110 प्लस एफ 1 प्लस एफ 2, देन एफ 1 प्लस एफ 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पर आपका रेडी है, आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो माइनस सी एफ, तो सी एफ क्या आपके पास में, दो चीज़ें एक साथ माइनस नहीं होती तो ब्रैकेट लगाया इसलिए मैंने, एन बाय टू माइनस सी एफ और अपॉन एफ, एफ क्या आपका 40 और इंटू आई, आई क्या आपका 10 है, तो ये तो आप यहाँ सबट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 5, और इधर देखते हैं तो आपके पास में 85 माइनस 30 एंड माइनस एफ 1 और ये काट देंगे तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 85 माइनस 30 माइनस एफ 1 और अपॉन में 4। सॉल्व करेंगे तो 20 इक्वल्स टू 80 में 30 गया 55 माइनस एफ 1, देन माइनस करेंगे तो 45 35, तो आपके पास में एफ 1 इक्वल्स टू कितना है 35, तो एफ 1 इक्वल्स टू 35 आया और आपके पास में एफ 1 प्लस एफ 2 इक्वल्स टू क्या है 60, एंड एफ 1 35 आया प्लस एफ 2 आपको पता नहीं इक्वल्स टू 60, तो आपके पास में एफ 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में 25। तो ये आपके पास में F2 की वैल्यू आ गई और ये आपके पास में F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का केस था, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हेलो।
तो ये क्वेश्चन है, मीडियन हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्लासेस हम मोड पढ़ेंगे, उसके बाद हम पी वाई क्यू पढ़ेंगे, मीन मीडियन और मोड का।